सबको भाई गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं प्रयागराज से, लाइव सिविल लाइन से, प्रयागराज की मस्ती के साथ। हल्की हल्की सी धूप, हल्की हल्की सी बारिश। चलिए भाई, प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, नेपाल, है ना, सभी का भाई स्वागत, सभी का वेलकम। चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारी आवाज़ ठीक ठाक है? आवाज़ आ रही है? सब कुछ सही है? सब बढ़िया? सब कुछ दिख रहा है? आवाज़ तो ओके है, ठीक है, हम दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छी कहानी जो है, टॉपिक चल रहा था हम लोग का परसेंटेज, है ना। चलिए भाई एक बार यहाँ लिख लें एक बार फिर से अच्छे से। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, बिल्कुल मन से सीखो, है ना, परसेंटेज, टेज, है ना। हमने यहाँ लिख दिया परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशतता, प्रतिशत को पाना, ठीक है। सभी सवालों का पहले बेसिक पकड़ो, सवाल को पहले अपने दिल और मन में जाने दो, दिमाग में आने दो, सवाल को पहले फील करो, डर को दूर भगाओ और तब सवालों में स्पीड लाओ, ठीक है ना। अगर आपने सीधे जो है ट्रिक्स पर ध्यान दिया और ट्रिक्स को सीखा तो फिर आपको वो कोई विषय भाई आएगा नहीं। इसलिए बहुत ही आराम आराम से, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। फिर हम इसी में जोड़ेंगे प्रॉफिट और लॉस को, फिर इसी में जोड़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, ब्याज वाले सवालों को। ये सारी कहानी एक जैसी है। देखिए भाई, आज का जो हमारा पहला सवाल है, बिल्कुल छोटा सवाल है, हल्का सा, और जो आज का पहला सवाल यहाँ लिख रहे हैं वो ये है कि लेंथ हमने यहाँ लिख दिया, और हमने कह दिया कि भाई लेंथ, LENGTH, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत आया सवाल है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, और यहां हमने लिख दिया 20%, इंक्रीज बाय 20%, और आगे लिख दिया ब्रेथ, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय, और इसको हमने यहां पे लिख दिया, ब्रेथ को हमने डिक्रीज कर दिया 10%। 10 कर दें या 50 कर दें, चलो इसको हम 60 कर दें, डिक्रीज्ड बाय 60%। तो कहा गया कि इफेक्ट ऑन एरिया, यहां पे लिख दिया गया कि इफेक्ट ऑन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा भाई पुराना सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना, छोटा भी है, आसान भी है, टेक्निकल भी है, सब कुछ है, ठीक भाई। चलिए भाई सभी को भाई नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग अपने जीवन में मस्त रहो, खुश रहो, खिलखिलाते रहो, ठीक है। दुखी नहीं होना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। जीवन जो है वो मस्ती के साथ हमेशा जिया जाता है और जिया जाना चाहिए। इसलिए किसी बच्चे को, किसी जो है बॉय एंड गर्ल्स को दुखी नहीं होना है। आपकी आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है, इसलिए बिल्कुल मस्ती में रहो। समाज आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, घर वाले क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपने अच्छे फैसले के लिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए, सफलता के लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है। बहुत ज्यादा जो है वो गप्पों के दायरे में नहीं आना है, ठीक है। इसलिए मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और जब मुस्कुराने का मन ना करे तो एक बार हमको देखो, हमारी बातें सुनो कि कैसे हम खुश रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, मुस्कुराते रहें और बिंदास रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इसलिए बहुत ही बिंदास लाइफ को जियो। चलिए भाई ये हमारा पहला सवाल है, और इस पहले सवाल में हम इसका पहले बेसिक कर दें, एक बार पहले इसका बेसिक कर दें, फिर करेंगे इसकी हम ट्रिक नंबर दूसरी, फिर करेंगे इसकी हम ट्रिक नंबर तीसरी। आपको जो पसंद है आप वही कर लेंगे, लेकिन पहले इसका यहां लिख दो कि पहले इसका हम करेंगे भैया जो है बेसिक फंडामेंटल। बेसिक भाई कर दें एक बार ना, जरा सब लोग बता दो इसका बेसिक करें या ना करें। पहले इसका बेसिक कर लो, पहले बेसिक करो एक बार, ठीक है। देखो बेसिक मतलब ये होता है, देखो मामला किसका है। सवाल में कहा गया, इस सवाल में कहा गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 60%, इफेक्ट ऑन एरिया। हिंदी था, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया
और उसकी चौड़ाई को 60% डिक्रीज यानी कि कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना असर हुआ होगा, कितना असर हुआ। तो पहले इसका बेसिक सीखो, है ना। बेसिक मतलब ये होता है कि ये देख लो, ये हमारा जो है रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल या आयत वो होता है कि जिसमें लंबाई और लंबाई बराबर हो, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर हो, इसके चारों ये एंगल आपस में ऐसे बराबर हो, कोने कोने वाले विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर हो, तो इनका नाम होता है रेक्टेंगल। ठीक भाई, इसका नाम होता है रेक्टेंगल। चलिए भाई, अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा, हमने कहा भाई ठीक है, एक काम करते हैं कि भाई हमारी जो लंबाई है, हमारी जो लंबाई है ये वाली, हो सकता है कि हमारी ये लंबाई रही हो, इसको हमने 10 मान लिया और हमने अपनी चौड़ाई को भी 10 मान लिया। ठीक है, ये आपका, ठीक, आपकी मर्जी है, इसको आप 100 मानो, इसको आप एक्स वाई मानो, 50 मानो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप संख्याएं छोटी माना करो। और संख्याएं वो मानी जाती हैं पूरी गणित के अंदर जो कम से कम जो है वो दो तीन चार जो है नंबरों से आसानी से कटती हों। जैसे हमें ये 10 माना है, तो 10 भाई जो है 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। ठीक है, इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, तो जो एरिया हो गया, एरिया A1, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका जो पुराना वाला एरिया था वो कितना था, वो था 100 वर्ग यूनिट, ये था 100। चलिए भाई, ये इसका यहां से ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इसकी जो लंबाई थी, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया। इन्होंने कहा कि लंबाई को 20% यहां से बढ़ाया गया, तो 10 का 20% होता है 2, तो आपकी लंबाई जो है वो 2 बढ़ के 12 हो गई। और चौड़ाई में क्या किया गया कि चौड़ाई को, इन्होंने कहा कि चौड़ाई को 60% कम कर दो। तो जब हमने चौड़ाई को कम किया होगा, तो 10 का 60% होता है 60, 6 होता है, 10 का 60% होता है 6, तो 6 कम हो गया, तो कितनी बची, ये तुम्हारी बच गई 4, पहले कितनी हुई 12। तो आपका जो नया वाला एरिया आया A2, ये A2 आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये आपका हो गया 12 इंटू 4, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 48, 48 हो गया। तो कहा गया कि भाई चेंज कितना हुआ, कितना इफेक्ट हुआ क्षेत्रफल के ऊपर, क्षेत्रफल में कितना इफेक्ट हुआ। ठीक है भाई, कितना इफेक्ट हुआ। तो जब भी हमें कोई चेंज निकालना हो गणित के अंदर, ध्यान देना, अगर हमें चेंज का परसेंटेज निकालना हो, तो एक काम किया करो, ऐसे भिन्न बना करके जितना भी चेंज हुआ हो, चेंज को ऊपर लिखो। देखो चेंज हुआ है ये वाला, चेंज हुआ है 100 माइनस 48, तो ये देख लो 100 माइनस 48 जितना परिवर्तन हुआ हो। देखो ध्यान देना, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में हमेशा जितना, जितनी बॉडी चेंज हो रही हो, बदल रही हो, उस बदलाव को हमेशा रखो ऊपर। और ये बदलाव किसके रिस्पेक्ट में हुआ, किसकी तुलना में हुआ, किसके कंपेयर में हुआ, तो ये बदलाव हुआ है पुराने वाले तुम्हारे प्लॉट के रिस्पेक्ट में। पुराना वाला प्लॉट कितना था, तुम्हारा पुराना वाला प्लॉट है 100, तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में हो उसको यहां से नीचे लिखो। 100 के रिस्पेक्ट में इतना चेंज हुआ, तो कितने परसेंट चेंज हुआ, इनटू यहां पे 100 लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक बात, बराबर किया। ये देख लो, जब इसको हमने ऐसे बराबर किया होगा, तो बराबर होने के बाद ये तुम्हारा 100 और 100 यहां से कट गया होगा, है ना। बराबर होने के बाद ये आपका 100 और 100 यहां से कट गया, ये आपका यहां से ये ऐसे कट गया। 100 माइनस 48 कितना हो गया, 52 हुआ ना, तो ये आपका हो गया 52%। क्या हो गया, चेंज हुआ ना। देखो पहले आपका एरिया था 100, अब ये 48 हो गया, तो 52% डिक्रीज हो गया। तो लिख दो 52% हमारा, हमारे क्षेत्रफल में कमी आ गई, यही हमारा हो जाएगा क्या चीज, आंसर। ये बात भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। किसी ने भाई इसमें 28 बोला है, किसी ने कुछ और बोला है, ठीक है, कितना होगा, 52%, है ना, 100 में से 48 घटेगा, तो भाई 28 तो आएगा नहीं, कितना आएगा, 52 आएगा, चेक करो भाई। ठीक है ना, पुराना एरिया 10 इंटू 10 100 हो गया, नया एरिया 2 ज्यादा हुआ था तो ये 12 हो गया, पुराना एरिया 60% यानी कि 6 कम हुआ था 4 हो गया, 12 इंटू 4 48 हो गया,
चेंज कितना हुआ, चेंज आपका हुआ है 52 का, तो चेंज ऊपर रखो, चेंज जिसकी तुलना में हुआ हो वो नीचे आएगा, इनटू परसेंट वाला 100 लगाएंगे। सबको आ गया भाई 52%, ठीक है भाई, सबको आ गया भाई। चलिए भाई, तो ये तो था आपका तरीका बेसिक वाला। अब हम जरा इस बेसिक को हटाएंगे, ध्यान देना भाई, अब हम इस बेसिक को यहां से हटाएंगे, और बेसिक को हटाने के बाद क्या करेंगे कि जरा बेसिक को हटाओ, अब आ जाओ जरा इसके जरा ट्रिक पर आ जाओ। अब यहां पे लिखो मेथड नंबर, इसका दूसरा लिखो मेथड नंबर, इसका जरा इसमें ट्रिक लिखो, ऐसे इसको ट्रिक बनाओ, मेथड नंबर 2। देखो मैथ को सीखो, इस वाली क्लास में आपको जो है ऐसे आना है कि आपको मैथ ना तो पूरा करना है ना उसकी पढ़ाई करना है, आपको मैथ को, गणित को दिल और मन से सीखना है। समय चाहे 5 महीना लगे, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे 1 साल लग जाए, हमें इस विषय को सीखना है, ठीक है ना, इसलिए पहले सीखो। देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या हुआ, हमने कहा कि देखो ये हमारा एरिया था, ये जो हमारा क्षेत्रफल था, हमने कहा भैया ये हमारा एक रेक्टेंगल था, तो हमने माना, हमने इसको लेट किया कि भैया माना हिंदी में, हमने कहा कि लेट जो हमारा एरिया था, हमारा एरिया जो था उस एरिया को हमने यहाँ पे जा करके इसको हमने 100 मान लिया। हमने कहा भैया हमारा जो एरिया था, हमारा एरिया 100 था, ये हमने मान लिया, ठीक है। 100 हमने क्यों माना, क्योंकि टॉपिक चल रहा है परसेंट का, और परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, और उसका मतलब होता है कि हम पर 100 के साथ ही मानेंगे, तो हमने कहा कि हमारा पुराना एरिया 100 था। अब जो ये हमारा एरिया 100 था, अब ध्यान देना इस 100 एरिया में कहां कहां बदलाव हुआ, इस 100 एरिया में बदलाव हुआ कि आपकी लंबाई जो थी वो पहले 20% बढ़ा दी गई, तो 100 में जो आपकी लंबाई थी, आपकी फुल लंबाई होगी 100%, है ना, जो लंबाई 100% है अब वो 20 ज्यादा हो गई, अब वो कितनी हो गई, ये आपकी लंबाई जो है वो बढ़ करके जो है, देखो यहां से ये आपकी लंबाई जो है वो 20 हो गई है ज्यादा, तो 100 के बदले 20 बढ़ गई, आपकी नई लंबाई हो गई 120। फिर क्या हुआ, आपकी चौड़ाई 60% कम हो गई, तो अगर आपकी चौड़ाई पहले फुल, देखो फुल मतलब 100, जिसको हमें फुल मानना है हमें 100 मानना है, मैंगो हो, आम हो, धनिया हो, आलू हो, टमाटर हो, पेन हो, या फिर लंबाई हो, या फिर एरिया हो, है ना, तो ये एरिया है, ये लंबाई है 120 हो गई, ये चौड़ाई है पहले फुल थी अब 60 कम हो गई, तो बची कितनी, ये बच गई है 40। मतलब ये हुआ कि तुम्हारे इस एरिया में इतने परिवर्तन किए गए, तो देखो आखिर तुम्हारा एरिया ये बदलता हुआ कितना हो गया, तो इसको जानने के लिए क्या करो कि ये देख लो 1010 यहां से ये उड़ गया, इसके बाद तुम्हारा ये वाला 0, ये वाला 0 देखो यहां से उड़ गया, और इसने हमको ये बता दिया कि 12 × 4 हमारा नया वाला एरिया कितना आ गया, 48 आ गया, और पहले वाला एरिया हमारा कितना था, पहले वाला एरिया हमारा 100 था, अब कितना आ गया 48, 100 वाला एरिया 48 बन गया, तो चेंज कितना हुआ, 100 से पहुंच गए तुम 48 पर, बदलाव कितना हुआ 52 का, 52 कम हो गया, तो लिख दो कि भैया जो हमारा चेंज हुआ है वो हुआ है 52% का, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में 52 का चेंज, उसी का नाम होता है 52% कम हो गया। ये बात भाई सबको आ गई, ये वाली बात भी सीखो, बहुत ही सुंदर बात है, कोई भी सवाल आपका इससे हो जाएगा, जल्दी सीखो भाई, सबको आ गया, सबको भाई आ गया भाई कि नहीं आया भाई, जल्दी बोलो भाई। चलिए भाई जरा भाई ब्लॉक करो इनको, एनके महाराज को जरा ब्लॉक करो, सब लोग मिल करके इनको हटाओ जरा रास्ते से, ब्लॉक करो। चलिए भाई, भाई ये वाली बात सबको आ गई, काम चल गया, है ना, ये हो गया। अब मैं आता हूं अपने जो है ट्रिक नंबर 2 की तरफ, अब मैं पहुंचता हूं भैया यहां से, जरा पहुंचो और जरा यहां पर आ जाओ, और अब मैं लगाता हूं भैया अपनी जो है ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर तीसरी, है ना। चलिए भाई, अब यहां पे लिख लो मेथड नंबर 3, और ये यहां पे लिखो अगली ट्रिक क्या है इसकी, है ना, यहां लिखो ट्रिक नंबर 2। देखिए हमने एक बात आपसे बोला होगा कल परसों में कि अगर कभी दो सक्सेसिव बातें बदल रही हैं, अगर कभी दो क्रमागत बातें बदले, क्रमागत क्या होता है कि देखो मामला तुम्हारा आया देखो रेक्टेंगल का, है ना, क्रमागत, जब भी कभी दो क्रमागत बातें बदले, क्रमागत क्या होता है कि देखो ये लंबाई था, अचानक देखो यहां से चौड़ाई मिल गई,
ये देख लो, तो अगर कभी ये आपकी लंबाई थी, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, तो जब भी कभी दो सक्सेसिव बातें, दो क्रमिक बातें, मतलब बिना टूटे, बिना ये रास्ता टूटे, जब ये रास्ता टूटे ना, जब दो बातें क्रमिक तरीके से बिल्कुल एक साथ बदल रही हो, तो वहां पर चेंज का एक फार्मूला जो है वो हमने, चेंज की एक ट्रिक हमने बताई थी कि चेंज को निकालने के लिए पहली बात यहां लिखना, दूसरी बात और यहां दोनों बातों का गुणा करके 2200 कर देना। ये देख लो, पहली बात हमारी 20% ज्यादा हुई थी, जो ज्यादा होगी उसको प्लस करना, प्लस हमारी जो दूसरी बात है वो 60% डिक्रीज हुई थी, कम हुई थी, तो कम वाली बात में माइनस लगा देना, जो बढ़े वहां प्लस लगा देना, जो घटे वहां माइनस। आगे लिखा है प्लस, ये हो गया 20 बढ़ा था तो प्लस, 60 घटा था तो माइनस हमने 60 कर दिया, डिवाइडेड बाय देखो 100 कर दिया भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई, ठीक भाई, काम चल जाएगा, बहुत सुंदर बात है। और ये देख लो यहां से क्या हुआ कि अब जो है चुपचाप यहां से जाओ और ये वाला जीरो, ये जीरो, ये वाला और ये वाला उड़ा दो। देखो 20 माइनस 60, 60 माइनस 20, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 40। देखो ये 20 छोटा है, माइनस वाला हिस्सा बड़ा है, तो घटाने के बाद चिन्ह उसी का आता है जो हिस्सा बड़ा होता है। अगर यहां होता प्लस, यहां होता माइनस, है ना, अगर ये ज्यादा होता ठीक तो चिन्ह आता प्लस का, मतलब प्लस और माइनस करने में जिसका चिन्ह ज्यादा बड़ा होगा हम हमेशा उसको लगाएंगे। यहां हो गया देखो 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 हो गया प्लस इंटू माइनस, हमेशा माइनस होता है, तो ये आपका हो गया कितना माइनस, और माइनस चिन्ह आएगा माइनस का, 40 और 12 हमेशा जोड़ दिया जाएगा। ये देख लो भाई, इसका ध्यान देना, अगर माइनस माइनस है तो चिन्ह आपका वही आएगा, लेकिन सेम चिन्ह होने पर हमेशा जोड़ा जाता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, हमेशा ऐड होता है। कितना हो गया -52, ये बता रहा है कि तुम्हारे इस सवाल के अंदर 52 का चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है 52 का। अगर प्लस आता तो एरिया ज्यादा, अगर माइनस आया है तो एरिया कम, और अगर ये कट पिट के जीरो आ जाए तो हम लिखेंगे यहां पर नो चेंज। अगर प्लस आए तो एरिया या वस्तु का मूल्य बढ़ा, अगर माइनस आ जाए तो घटा, और अगर ये जीरो आ गया होता तो ना घटा ना बढ़ा, मतलब नो चेंज। क्या आया? -12। तो लिख दो अपना उत्तर, लिख दो कि भैया 52% हमारा एरिया क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया भैया कम। सबको आ गया? चलिए भाई, ये वाली कहानी भाई सबको आ गई, काम चल जाएगी। हो गया सर, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, ऐसा कोई भाई बंदा है इसमें, ऐसा कोई बॉय एंड गर्ल है, या कोई ऐसा कोई बंदा है जिसको भैया ये वाली बातें बिल्कुल ना आ रही हो? ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो फिर ये आप जान लेना कि भैया अब तुम पढ़ाई अपनी बंद कर दो और तैयारी करो अगली प्रधानी वाले चुनाव की। ठीक भाई, अगर भैया अब भी नहीं आया, ठीक है ना, इतनी आसानी के साथ, तो भैया फिर पढ़ाई बंद कर दो। अगले अभी चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत के, मेंबरी के, प्रधानी के, विधायकी वाले, सांसदी वाले, चुपचाप जाओ, ठीक, एक खरीदो स्कॉर्पियो, है ना, टाटा सफारी, फॉर्चूनर, और जा करके भैया तैयारी करो 2027 की, 2022 की, ठीक है। चलिए भाई, लेकिन इसका ध्यान दिए रहना, आजकल अगर आपको नेता बनना है, राजनीति में आना है, तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग राजनीति में अब हावी हो रहे हैं, और ये लोग बहुत जल्दी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ये ट्रेंड बनता जाएगा। तो अगर आपको नेता भी बनना है तो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हों, अच्छे से हों, है ना। चलिए भाई, मैथ सीखो, इसलिए जो है भाई पढ़ लिख के जाओ, और गणित तो भाई पक्का सीख लो, नहीं तो अगर आप ऐसे गए और जाके बन गए प्रधान जाके, है ना, और सेक्रेटरी आपका होगा भैया पढ़ा लिखा, सेक्रेटरी होगा भैया जो है पढ़ा लिखा बंदा होगा, जो आपका बीडीओ होगा वो भैया पीसीएस होगा, है ना, ऑफिसर। और अगर आप बन गए मान लो प्रधान, और प्रधान बनने के बाद आप जो है भैया पढ़े लिखे नहीं, मैथ आपको आ नहीं रही, है ना, अंग्रेजी आपको आती नहीं है, इमला लिखना आपको आ नहीं रहा है, पहाड़ा आपको आता नहीं है, काखा गाघा को ठीक आपको आ नहीं रहा, लेकिन आपने अपनी जो है जन शैली के द्वारा, है ना, अपने जन समूह के द्वारा आप ये चुनाव जीत गए। अब खतरा वहां पैदा होगा कि अगर आपने कहीं पर कोई घोटाला किया जीतने के बाद, तो ये दो लोग आपके सेक्रेटरी, वीडियो
और ये वाला वीडियो, एक वीडियो एक वीडियो, ये तीनों बंदे होंगे तुम्हारे बहुत ही पढ़े लिखे लोग, तुम यहां जाओगे फंस। अगर तुमने घोटाला किया तो सारा मामला बिगड़ेगा फिर आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको ठीक मैं खाती है और आप गलती से अगर बन गए प्रधान, जिला पंचायत, विधायक और सांसद, और अगर आप मैथ में तेज हो तो ये जान लेना कि फिर आप रोमांचकारी नेता के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको रोमांचकारी नेता बनना है तो भैया मैथ को सीख लो, ठीक है, मैथ को सीख के जाओ, रोमांचकारी नेता बनो, रोमांचकारी प्रधान बनो। गणित और क्या, ठीक है, मैथ नहीं आने पर ठीक है आप वहां घोटाला मार दोगे, ठीक, तालाब खुदाओगे एक, उसमें पट्टा आ जाएगा 5 तालाब का। चलिए भाई, तो अब हम एक काम करते हैं, जरा अगले सवाल पर आते हैं। और अगला जो हमारा सवाल है, दूसरा वाला, एक जरा सवाल करो, बढ़िया सा एक सवाल पूछा गया और इसमें हमारे पास आया कि भाई इसमें हम आखिर क्या करें। एक सवाल आया कि हमारे पास कि हाइट एंड रेडियस, बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है ना, बेलन, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय, हमने यहां पे लिख दिया 20% एंड 10%। किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को क्रमशः बढ़ा दिया गया 20% और 10%। तो इसमें कहा गया कि चेंज इन वॉल्यूम, कहा गया कि भाई चेंज इन वॉल्यूम, ये सवाल भाई बहुत बार आ चुका है। तो कहा गया चेंज इन वॉल्यूम, किसी बेलन किसी सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या को, है ना, ऊंचाई और त्रिज्या को, यहां पे इन्होंने कहा कि हमने ऊंचाई को और त्रिज्या को बढ़ा दिया, कितना कितना बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया 20% और 10%। तो कहा गया कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, जल्दी बोलो भाई उत्तर, कितना होगा इसके आयतन में परिवर्तन। चलिए भाई जल्दी से बोलिए भाई, है ना, गणित को सीखो, गणित सीखने के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये मुझे पता है। आप जहां भी रहोगे, है ना, आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आप एसएससी में जाओ, एनडीए में जाओ, सीडीएस में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, प्रधान बनो, विधायक बनो, मुख्यमंत्री बन जाओ, अगर आपको मैथ आती है तो आपका जो व्यक्तित्व तो होगा वो अन्य लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए मामला हुआ आयतन का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा भाई जल्दी बताएं सब लोग इसका उत्तर कितना आएगा। चलो भाई, कोई बोल रहा 42, कोई बोल रहा 32, 42 और 32। सबसे पहले समझो कि आखिर भाई बेलन होता क्या है। देखो बेलन जो होता है, जब आपको हम पढ़ाएंगे कभी मेंसुरेशन, जब कभी आपको हम पढ़ा रहे होंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक मेंसुरेशन, ये वाला देखो, मेंसुरेशन में क्या होता है कि इस वाले में मेंसुरेशन में होगा क्या कि जैसे ये देख लो, यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या, ये इसका केंद्र होता है, ये वाली इसकी रेडियस होती है, और यहां से लेकर के यहां तक वाली उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि आयतन का मतलब होता है कि इस कंटेनर में कितना पानी भरा जाएगा। बहुत ही सुंदर मैथ भाई, है ना, बहुत ही सुंदर मैथ, ये देख लो, इतनी सुंदर मैथ आपने अपने लाइफ में कभी देखी नहीं होगी, ठीक है। ये विषय जो है, जो आपको डराता था, है ना, आपको भय देता था, ये देख लो कितनी सुंदर मैथ, है ना, बिल्कुल एकदम लहराती हुई मैथ, ये देख लो, है ना, बिल्कुल लहराती हुई मैथ, सुंदर सी मैथ, ये देख लो, ये वही मैथ है जिससे आप जो है बचपन में आपको चिंता होती थी, भय होता था, कितना आएगा 42 32। सुनो भाई, तो ये जो सिलेंडर होता है इसमें कितना पानी आएगा, इसमें ये जो पानी भरा होता है सिलेंडर के अंदर, तो ये जो इसमें पानी भरा होता है, इसका मटेरियल होता है, इसी का नाम होता है आयतन, है ना,
इसी का नाम होता है आयतन, क्वांटिटी कितनी आएगी। तो ये जो सिलेंडर होता है ना, देखो सिलेंडर का जो आयतन का फार्मूला होता है कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका ध्यान देना भाई, जो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला होता है वो क्लास 7th में, 7th में नहीं, क्लास 5th से चालू होता है, आगे वो जाता है आईआईटी तक, है ना, एमएससी तक। तो कक्षा पांच का बच्चा भी जानता है कि जो वॉल्यूम होता है वो पाई त्रिज्या का स्क्वायर और एच होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया एक काम करो कि चलो इस वाली बात को, आयतन को 100 मान लो। हमने अपने आयतन को 100 मान लिया। हमने कहा भाई ठीक है, एक काम करो कि लेट वॉल्यूम इक्वल टू 100, जैसे आपने माना था इसमें क्षेत्रफल को, हमने क्या मान लिया, हमने इसके मान लिया आयतन को मान लिया। चलिए भाई, तो जब हमने 100 मान लिया, तो अब ये देख लो कि भाई तुम्हारे इस 100 में कितना चेंज हुआ होगा, तुम्हारे 100 के आयतन में कौन कौन सा चेंज हुआ। जैसे आयत में दो चेंज हुए थे, एक लंबाई का एक चौड़ाई का, तो वहां चेंज हुए थे दो। लेकिन आयतन में देखो पाई तो होता है स्थिरांक, देखो पाई तो स्थिरांक है, पाई तो 22/7 है, जितना है भैया ठीक वही रहेगा, सिलेंडर छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन ये देख लो आयतन में क्या हो रहा है, कि आयतन में चेंज हो रही है दो बातें, दो बार आर और एक बार एच। ध्यान देना, इसमें दो बार आर और एक बार एच। तो तुम्हारे 100 के आयतन में, अब ठीक ध्यान दो इस पर, 100 के आयतन में आपकी रेडियस दो बार, तो हमारी पहली वाली रेडियस 100 थी, 100 के बदले कितना चेंज हो गई, 20 नहीं, 20 नहीं, 10, ये वाली बार 10 है रेडियस, कितनी है 10। तो हमारे पास दो बार है, तो 100 के बदले 10 ज्यादा हो गई, तो 110 हो जाएगी। अभी ये एक बार और थी, तो दूसरी वाली रेडियस 100 के बदले 10 बढ़ गई, कितनी हो गई 110 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 20% ज्यादा हो गई थी। तो तुम्हारी जो ऊंचाई थी पहले फुल थी, फुल मतलब 100, 20 ज्यादा हो गई, कितनी हो गई 120 हो गई। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, है ना। अब क्या करो कि अब इसमें जाकर के तुम्हारा सवाल हो गया, खाली जो भी इसका उत्तर आएगा वो यहां चेंज आएगा। ये वाला जीरो इससे उड़ा दो, ये वाले दो जीरो इससे उड़ा दो, और ये वाला जीरो इससे उड़ा दो। और अब जरा हमें सब लोग करके बताओ कि भाई इसके बाद कि ये 11 × 11 × 12, तो देखो 11 × 11 होता है 121, 121 इंटू ये आ गया 12, और ये नीचे कितना बचा, नीचे बचा 10। जरा ये बता दो कि 121 इंटू 12 कितना होगा, 121 इंटू 12 होगा 12, 1 × 12 हो गया, 12 दुना 24, 24 एक 25 हो जाएगा, और 12 × 1 = 12, और 12 × 2 = 14 हो जाएगा। जरा भाई चेक कर लो 1452 आया कि नहीं आया, 1452 आया भाई सबका। तो ये आपका हो गया 1452, और देखो नीचे लगा हुआ था 10, जब ये जीरो कटता है तो यहाँ पे लगता है दशमलव, इसका ध्यान देना। तो आपका सिस्टम हो गया 145.2 का, कितना आ गया 145.2 का। तुम्हारे पास पुराना वाला जो आयतन था वो कितना था, तुम्हारे पास पुराना वाला आयतन था कितना 100, अब कितना हो गया 145.2, घटा कि बढ़ा। यार बच्चा बच्चा बोल देगा कि भैया तुम्हारा आयतन पहले 100 था, इतना परिवर्तन करने से अब वो 145.2 हो गया है, तो 100 के बदले 145.2, तो कितना ज्यादा हो गया 45.2। तो अपना आंसर लिखोगे कि भैया जो हमारा आंसर है वो हो गया 45.2%, तुम्हारा इसका सही उत्तर आया 45.2। ठीक है भाई, 145.2 हो गया, लेकिन 100 तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास ये डिब्बा 100 का, तुम्हारे पास ये वाला डिब्बा 100 का था, बदल करके तुम्हारा डिब्बा और बड़ा हो गया, 145.2 हो गया, तो कितना ज्यादा हुआ 45.2% बढ़ गया, तो इसका उत्तर हो गया है 45.2%। ठीक भाई, सबका आ गया इंक्रीज्ड, बहुत सुंदर भाई, ये जान लेना भाई, गणित को सीख करके जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओगे बिल्कुल बिंदास रहोगे, ठीक है ना, कहीं भी रहोगे तुम, ठीक, कहीं भी रहोगे गप्पे मारोगे, ठीक है, जिस व्यक्ति को मैथ आती होगी उसकी गप्पों का अंदाज भी अच्छा रहेगा, ठीक है।
इसलिए बिल्कुल बिंदास रहो और जीवन को बिल्कुल अच्छा जियो, मस्त वाला जीवन जियो, ठीक है ना, मस्ती के साथ। जीवन में आपको घबराना नहीं, ठीक भाई, चलो ये बात सबको आ गई। अच्छा इसी में मान लो कि अगर कोई बोल देता है कि भैया आपकी जो रेडियस 10% कम हो गई, मान लो है ना, तो अगर कोई कम बोल देता 10%, तो जहां हमने ये लिखा है 110, हम लिखते 100 में 10 कम हो गया, यहां मार देते 90, 100 में 10 कम हो गया, 90 कर लेते। तो कम हो चाहे ज्यादा हो, इन चीजों को इस तरीके से किया जाना चाहिए। चलिए भाई इसको भी जरा हटा दो, और इसको हटाने के बाद जो है अब जरा अगली बात पर आ जाओ, अगली जो है जरा बात पर आ जाओ, और ये जो तुम्हारी बात आ रही है अगली, वो बात यहां से कौन सी आएगी, वो बात आपकी आ जाएगी। देखो ऐसे, देखो एक सवाल बहुत आता है, एक सवाल जो है वो आपका बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट, यहां लिखो सुपर इंपॉर्टेंट, है ना, यहां लिखो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ना वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक भाई। वीडियो देखो बंद है क्या भाई, चेक योर कनेक्शन, देखो भाई जरा चेक, जरा भाई चेक कर लो एक बार, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, आवाज आ रही है। चलिए जरा इस पर एक काम करो, इसमें जरा लिखो एक बात को जाकर के आगे, इसमें लिखो साइड, ये देखो यहां लिखो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 100%, यहां लिख दो कि साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 100%, देन चेंज इन वॉल्यूम, जिसको भाई पुराना सवाल नहीं आया था वो इसको एक बार फिर देखे, देन चेंज इन वॉल्यूम, जिसको पुराना वाला भैया सवाल नहीं आया था वो जरा इसको एक बार जो है वो फिर समझे। सब कुछ भाई ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए भाई, चलिए भाई, जिसको भाई पुराने वाले सवाल में अगर कोई डाउट रह गया हो हल्का सा भी, पुराने वाले में है ना, सिलेंडर वाले में, तो हमने एक सवाल फिर ले लिया है, केवल चेंज कहाँ किया है, हमने केवल चेंज किया है सिलेंडर को, हमने क्यूब बोल दिया बस, और कुछ नहीं। सवाल था कि साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 100%, देन चेंज इन क्या वॉल्यूम, हिंदी था कि किसी क्यूब, क्या होता है क्यूब की हिंदी होती है भैया घन, है ना, घन, किसी घन की भुजा को 100% बढ़ा दिया गया, घन एक क्यूब होता है उसकी भुजा को 100% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, सेम सवाल है, बस जहां सिलेंडर था वहां पर आ गया है घन क्यूब। चलिए भाई जरा ठीक, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बोलो भाई, इसका जो ये क्यूब होगा इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ होगा, जल्दी बोलो सब लोग। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई सब लोग, कि इसमें जो है जो हमारा ये घन का सवाल है इसमें कितना परिवर्तन होगा, जल्दी से बोलो कितना, 8 का होगा। चलिए भाई कोई कह रहा भैया परिवर्तन होगा 8 का, जल्दी बोलो भाई, किसी ये सवाल जो है ठीक कहीं लिख लो कि मेनी टाइम्स एग्जाम में ये सवाल मेनी टाइम्स आ चुका है, जाके पेपर देख लेना जितने एग्जाम हुए हैं, मेनी टाइम्स इन यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एसएससी, CDS, ठीक ना, और इसके बाद जो है जितने भी पेपर और होते हैं सब में, जितने सवाल और होते हैं सब में। और एक सूचना है कि कल से जो है लड़कियों के लिए NDA का एग्जाम ओपन कर दिया गया है, ठीक, नेशनल डिफेंस एकेडमी, लेफ्टिनेंट बनने का एग्जाम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में गर्ल्स के लिए ये वाली बात भैया जो है, ये पेपर जो है वो कल से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो अब लड़कियां भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकती हैं, इसलिए सभी लड़कियां जो है तैयारी करें, अच्छी पोस्ट होती है और कंधे पर स्टार चमकने के लिए बहुत ही सुंदर यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म पे बहुत ही सुंदर से स्टार्स, ऊपर अच्छी सी एक कैप, है ना, तो इसलिए जो है सारे काम काज छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके
पूरा फोकस, और एनडीए का एग्जाम भी जो है वो आपका यूपीएससी कराता है, इसलिए जो है अब आप एलिजिबल हो आईएएस पीसीएस एयरफोर्स कैट सबके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल तैयार रहो, मस्ती में रहो भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। चलिए भाई, किसी ने कहा इसलिए भाई सब लोग तैयार रहना एनडीए के लिए भी। अब हमारा काम है आपको मैथ को सिखाना, ठीक है। चलिए भाई, तो कहा गया कि क्यूब की भुजा को 100% बढ़ाया गया है, तो क्यूब का आयतन कितना बदलेगा। सवाल को समझो पहले, पहले सवाल की गहराई को समझो। देखो जो क्यूब होता है, क्यूब का मतलब होता है कि जैसे ये वाला स्क्वायर है, सवाल को समझो, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसी के अंदर हमने एक स्क्वायर और बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और इसके बाद ऐसे जाकर के ये बना लो, तो ये जो फोटो बनती है, इस फोटो का नाम होता है क्यूब। ये आपका हो गया भैया क्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं घन, छोटे बच्चे इसको जानते हैं। ये तुम्हारा हो गया है क्यूब। अब इसका जो आयतन होगा, इस आयतन का मतलब होगा कि भैया इस कमरे के अंदर जो है, इस कमरे में कितनी हवा आ सकती है, कितना इसमें पानी आ सकता है ना, और इसके अंदर जो है कितना जो है पैसा आ सकता है ना, इस हेलीकॉप्टर के अंदर कितना पैसा आ सकता है। जैसे अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति महोदय थे, वो जब भाग रहे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर लाए थे, और इस ऐसे हेलीकॉप्टर में उसके आयतन के बराबर जो है सारी नोट जो है वो ऐसे ठूंस ठूंस के भर के चार पांच हेलीकॉप्टर से भागे हैं, ठीक है। मतलब जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे होंगे, उन्होंने अपने जो है हेलीकॉप्टर के अंदर, उन्होंने रुपयों के रूप में उसके अंदर आयतन भरा होगा ठूंस ठूंस के, ठीक है ना। तो आयतन का मतलब होता है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह तुम जो है अपने हेलीकॉप्टर में कितना रुपया ऐसे ठूंस ठूंस के भर सकते हो, दैट इज कॉल्ड आयतन या फिर वॉल्यूम। तो ऐसी तुम्हारी फोटो क्या हो गई, ऐसी आपकी फोटो हो गई भैया क्यूब। अब इस क्यूब में होगा क्या, इस क्यूब में ये लंबाई होती है, इसके बाद ये जो है तुम्हारे जो है क्यूब की चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है, और ये तुम्हारे क्यूब की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसमें इस हेलीकॉप्टर में कितना पानी आया होगा, है ना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में कितना रुपया आया होगा, इसको जानने के लिए रुपया यहां भरा गया होगा, रुपया इतना ऊंचा भरा गया होगा, रुपया इतना चौड़ा भरा गया होगा, इसको नाप लो। तो इसी नापने का मतलब होता है आयतन, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये रहा तुम्हारे इस आयतन का फार्मूला। इसका मतलब है कि आयतन में एक दो तीन बातों का असर जरूर पड़ेगा आयतन के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो आयतन होता है, आयतन की यूनिट होती है घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ये सब है ना, तीन तीन बातें। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया लेट हमारा जो आयतन था वो था 100, है ना, क्यूबिक, है ना, 100 क्यूबिक हमारा आयतन था। इस आयतन में हुआ क्या कि लंबाई को जो है वो 100% प्लस कर दिया गया। इसका मतलब हुआ है कि इसकी लंबाई को 100%, भैया जिसको पुराना सवाल नहीं आया था वो यहां देखे, आपका आयतन 100 था, अब इसकी लंबाई में क्या हुआ कि जो लंबाई 100 थी वो 100% और बढ़ गई, 100 थी 100 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 200, चौड़ाई 100 और बढ़ गई, तो ये देख लो, ये पहले 100 थी, चौड़ाई 100 और बढ़ गई तो सीधे डबल हो गई। इसके बाद ऊंचाई पहले 100 थी, अब और बढ़ गई, अब कितनी हो गई, अब 200 हो गई। तो ये देख लो, ये तुम्हारा ऐसे होते होते, अब जरा इसमें काटा पीटी मार दो, ये जीरो इससे उड़ गया, ये वाले दो जीरो इससे उड़ गए, ये वाले दो जीरो इससे उड़ गए, तो दो दूनी चार दूनी आठ, कुल कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया भैया कितना, ये हो गया आपका 800। जिसको भैया पुराना सवाल नहीं आया हो वो इसको देखे भैया, ठीक है, कितना हो गया 800 हो गया। मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे इस जहाज की औकात पहले 100 थी, पहले इसकी हेलीकॉप्टर की औकात 100 थी, अब उसका वजन हो गया है 800, ठीक है। खाली हेलीकॉप्टर 100 का था, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इसमें सारे नोट भर दिए, वजन कितना हो गया 800 हो गया, तो कितना ज्यादा भारी हो गया 700, तो चेंज कितना हुआ, लिख लो भैया 700%, 100 की तुलना में परसेंट, 100 की तुलना में परसेंट, 700% बढ़ गया। इसका उत्तर हो गया कि 700% बढ़ा, ठीक भाई, ऐसे बोला करो, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई,
अब भैया 800 नहीं बोलना है भाई, ठीक है ना, 800 नहीं बोलना, 800 बोलने वाले को, 800 800 बोलने वाला भैया अब जो है फिर पापी है वो, ठीक है ना। अब जिसने 800 बोला वो भैया फिर पाप कर रहा है, ठीक भाई। लड़के लड़कियां सब लोग, ठीक, तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है कि ये 100 है, अब 800, अब तुम्हारी औकात पहले 100 थी, अब तुम्हारी औकात हो गई है 800 की, तुम्हारी औकात थी पहले 100 करोड़ की, अब तुम्हारी औकात हो गई है 800 करोड़ की, तो तुम्हारी औकात कितनी बढ़ गई, तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है 700% ज्यादा हो गई, ठीक भाई, बहुत सुंदर। चलिए भैया काम हो गया भाई, चलिए भाई अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं भाई, जरा इस पर आ जाओ। और तो ये कुछ कहानी हुई, अब जरा एक काम करिए, सेम सवाल में एक काम करो, जरा इसको हटाओ भाई, ये तुम्हारा क्यूब था, ये इसका जो है वो आयतन था, है ना, ये आपका क्यूब था, ये इसका आयतन था, इसको हमने यहां से हटा लिया, इस वाली बात को हटा दो, ये तो इसका आयतन हो गया, ये तो इसका हो गया आयतन। अब हम अगर इस सवाल से अगर आयतन को हटा लें, अगर इस सवाल से अगर हम आयतन को हटा लें और यहां पे लिख दें चेंज इन एरिया, लो भैया चेंज इन एरिया, एरिया बोल दिया हमने, चेंज इन एरिया, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 100%, देन चेंज इन सरफेस एरिया, कोई कहता है एरिया, कोई कहता है लिख लेना सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, लो भैया पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में, चलिए भाई सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर भाई, चलिए भाई कुछ भी बनना है भैया मैथ को सीखो, है ना। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाली बात, देखो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके ये जो बाहर बाहर से ऐसे ऐसे जा करके अगर हमको कभी पेंट करना होगा, तो जब ये पेंट कर रहे होंगे इस बॉडी को, तो ये जो तुम्हारा ये पेंट हो रहा होगा, ये सारा पेंट बाहर बाहर इनकी दीवालों पे कितना जो है वो पेंट हो रहा होगा, ये वाला, ये जो आपने पेंटिंग किया है दीवारों पर, दीवारों पर जो आपने पेंट किया है ना, ये जो आपने इसमें इसको पेंट किया है, इसका मतलब हो जाएगा कि हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं, तो बाहर बाहर कितना पेंट हो रहा होगा, ये बाहर बाहर का जो इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, ऐसे मतलब सरफेस एरिया क्षेत्रफल, ये तुम्हारा होता है, इसको बिल्कुल ध्यान देना, ये आपका होता है 6 × साइड का स्क्वायर, ये आपका होता है 6 × साइड का स्क्वायर, ये होता है भैया 6, और ए क्या होता है भुजा, है ना, 6 × साइड इसकी भुजा होती है ए, जो हमने यहां पे लिया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें ये सारी भुजाएं आपस में, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये तो हमने खाली समझाया था, ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो तुम्हारा इसका एरिया होता है इतना होता है आपका 6a² तो हमने मान लिया कि भैया लेट हमारा जो सरफेस एरिया था वो पहले पहले 100 था, तो 100 में कितना चेंज हुआ होगा, हमने 100 लिख लिया, देखो 6 तो 6 है, ये देखो 6 तो 6 है, चेंज कहाँ होगा, ए के ऊपर, ए कितने बार है, 2 बार है, तो यहां पे लिखो कि पहली साइड 100 बार, अब 100 बढ़ गई होगी तो 200 हो गई, अगली साइड एक बार और है, ये देख लो 100 एक बार बढ़ गई, देखो यहां 200 हो गई, है ना, वॉल्यूम में 3 बार आया, एरिया में 2 बार आता है ना, 6 एक नंबर है जो पहले है वही बाद में होगा, 6 दैट इज नो चेंज, है ना, बाद में इसमें करो क्या, इसको करने के बाद ये 100 0 0 इससे उड़ा दो, ये वाला 0 इससे उड़ा दो, 2 × 2 = 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया भैया 400, तुम्हारा एरिया पहले 100 था, अब भैया 400 हो गया, तो कितना उत्तर बोलोगे, लिख दो 300% एरिया बढ़ गया, 300% बढ़ा भाई, है ना। चलिए भाई तुम्हारा एरिया जो है वो बढ़ गया भैया, जो है इतना 300% आपका एरिया ये भैया बढ़ गया, ठीक भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा, कोई इसमें पंगा संगा नहीं कहीं पर,
ठीक भाई, सबको आ गया? सिक्स खाने पे जाएगा। चलिए भाई, सबको आ गया है ना भाई? जिसको मैथ नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, जिसको सिर्फ ABCD आता है, गिनतियां आती हैं, पहाड़ा आता है, ऐसे छोटा मोटा ऐसे काटना पीटना आता है, दो दूनी चार बोलना आता है, मतलब आपका मामला ओके है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको सबसे कठिन विषय मैथ हम जरूर सिखा देंगे, ठीक है? ऐसा मुझे उम्मीद है और ऐसा मेरा जो है पिछले 20 साल का अनुभव कहता है, ठीक? इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और आपको भैया मैथ में खूब आएगी। चलिए भैया, जरा इसको हटाओ, इसको जरा हटा दो। तो इन सवालों को हटाने के बाद अब हम कुछ करते हैं, बहुत ही सुंदर सी बात। एक और, चलिए भैया एक जरा सवाल देखो, बहुत ही सुंदर सवाल, एक बहुत ही सुंदर सवाल देख लो। अच्छा सा देखिए भाई, एक बहुत ही जो है वो सुंदर सा सवाल जो है वो देखो। सुंदर सा सवाल ये है कि अ मैन डिपॉजिटेड 30% ऑफ इनिशियल अमाउंट। यहां एक सवाल आया, बहुत ही सुंदर सवाल है भाई ये, तो बहुत ही सुंदर सवाल। और इसमें कहा गया कि अ मैन, इसमें लिखा गया कि अ मैन डिपॉजिटेड, अ मैन डिपॉजिटेड, अ मैन डिपॉजिटेड, मैन डिपॉजिटेड 30% ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन हिज लॉकर। अ मैन डिपॉजिटेड 30% ऑफ इनिशियल, हिंदी बोल रहे भैया परेशान मत होना, इनिशियल अमाउंट इन लॉकर। चलिए भैया, इन लॉकर, लॉकर मतलब बैंक वाला लॉकर। एक आदमी ने अपने प्रारंभिक पूंजी का, प्रारंभिक पैसे का 30% लॉकर में जमा किया। फिर इसमें लिखा गया है जमा किया, एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, आगे लिखा था एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, आगे लिखा था एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, है ना, सम टाइम ही डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड 25%, ही डिपॉजिटेड 25% ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट, ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट, इंक्रीज्ड, बहुत ही भाई प्यारा सवाल है, ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट। कुछ समय के बाद उसने बढ़े हुए पैसे का 25% बैंक में और जमा किया, बैंक में और जमा किया, नाउ अमाउंट बिकम 13,000। आगे लिखा गया कि नाउ अमाउंट बिकम्स, है ना, नाउ अमाउंट बिकम्स 13,000, और अब उसका पैसा बैंक में लॉकर में बढ़कर के 13,000 हो गया। तो कहा गया कि देन व्हाट वाज इनिशियल अमाउंट, है ना, तो कहा गया कि देन वॉट वॉज, है ना, कहा गया कि वॉट वॉज हिज इनिशियल अमाउंट, हिंदी बोलेंगे भैया, है ना, इनिशियल AMUNT, इनिशियल अमाउंट। तब उसका प्रारंभिक पैसा कितना था, उसने कितना प्रारंभिक पैसा जो है उसमें जमा किया था। सवाल ये बना कि एक आदमी ने अपने प्रारंभिक पैसे का 30%, एक आदमी ने अपने प्रारंभिक पैसे का 30% लॉकर में जमा किया। फिर कहा गया कि कुछ समय के बाद उसने बढ़े हुए पैसे का 25% और जमा किया बैंक में, दोबारा फिर जमा किया बढ़े पैसे का, और अब उसका बढ़ा हुआ पैसा 13,000 हो गया। उसका पैसा जो है वो दो बार में जमा होते होते लॉकर में बैंक में अब वो 13,000 हो गया। तो कहा गया कि उसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, प्रारंभिक अमाउंट कितना था, उसका जो इनिशियल, जो प्रारंभिक पैसा था, ये जो उसका इनिशियल अमाउंट था, आखिर वो कितना था, उसका इनिशियल अमाउंट कितना रहा होगा, उसका इनिशियल अमाउंट कितना रहा होगा, ठीक है भाई, कितना रहा होगा उसका इनिशियल अमाउंट, जल्दी बोलो भाई।
जल्दी से बोलो भाई, इस सवाल, ये सवाल भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख लो भाई कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो भैया सुपर क्वेश्चन, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम में मेनी टाइम्स आया, मेनी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सा। लो भैया ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सा। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो इसका उत्तर। बताने वाले को आज भैया पिज्जा की पार्टी, चलो जल्दी बताओ। आज का इनाम है इसका उत्तर बताने वाले को पिज्जा पार्टी, डोमिनो पिज्जा की पार्टी भैया, है ना। चलो आज पिज्जा पार्टी, जो भैया इसको बताएगा उसको भैया पिज्जा की पार्टी, और जिसका उत्तर गलत आएगा वो आज हमको पिज्जा खिलाएगा। जिसका भैया जो है उत्तर गलत आएगा, जो ज्यादा नेता बनेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, है ना, वो आज हमको पिज्जा खिलाएगा। लिख दिया हमने, हमको पिज्जा खिलाएगा। ठीक है, जल्दी बोलो। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। देखिए भाई एक काम करो, इस सवाल में एक काम करते हैं। चलिए भाई, सही उत्तर वाले भैया पिज्जा खाएंगे, गलत वाले जो है वो पिज्जा हमें खिलाएंगे, है ना, डोमिनो पिज्जा। चलिए भाई मस्ती के साथ एक काम करो, इस सवाल में हम लोग काम करते हैं बहुत ही बढ़िया सा। इसमें काम करते हैं, ये देख लो, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका सोल्यूशन जो है हम लोग लिखते हैं भाई, जरा सवाल समझना, सवाल समझना, ये इसका हो गया सोल्यूशन। देखिए अच्छा ये बताओ कि जिस समय ये टॉपिक शुरू हुआ था, हम लोगों ने 30% को बनाना सीखा होगा भिन्नों में, जैसे कि 25, जैसे कि ये लिखा है 25%, तो 25% हमने पहली क्लास में ही बोल दिया था कि 25% 25/100 1/4 होता है। वैसे ही 30% जो है वो 30/100 3/10 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो, 30% का मतलब जो है वो 3/10 होता है 30/100 करके, और जो ये 25% होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ये वाली बिल्कुल बेसिक बात थी, ये बात सबको आती है, क्यों भाई सबको आता है भाई, चलिए भाई, है ना, ये बात भाई सबको आती है कि 25% 1/4 होता है और 30% होता है 3/10। चलिए तो इतना चीज होने के बाद अब एक काम करो, और इसमें से ये मान के चलो कि देखो इस आदमी, देखो इस आदमी ने किया क्या, इस आदमी ने अपना 30% पूंजी को जमा किया। इस 30% का मतलब हो गया ये वाली बात, मतलब जो पैसा 10 था वो जमा होने के बाद देखो 3 बढ़ेगा, 3 का ब्याज मिलेगा। देखो ये पैसा जमा हुआ है 3 का ब्याज, 30% का मतलब होता है कि 10 की तुलना में 3 पैसा बढ़ेगा। तो ये देख लो, चुपचाप जाओ कह दो भैया तुम्हारी इनिशियल पूंजी अगर 10 थी तो बैंक में जमा होने से 10 के बदले आपको 3 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो आपका 10 वाला पैसा कितना हो जाएगा, आपका 10 वाला पैसा 13 हो जाएगा। जैसे हम लोग कल कर रहे थे कि चीनी का भाव 25% ज्यादा हो गया, तो जब कोई बोलता है कि भाई चीनी का भाव 25% ज्यादा हो गया, तो हम लोग लिखते हैं 1/4, और फिर कहते हैं कि जो चीनी पहले 4 रुपए किलो थी अब वो 1 रुपया ज्यादा हो गई, तो चीनी का नया भाव कितना आ गया, 4, ठीक 5 आ जाता है। वैसे ही तुम्हारा पैसा जमा हुआ है बैंक में 30%, तो ये मैथ कहेगी भैया तुम्हारा पैसा 3/10 के भाव से आगे पीछे हो रहा है, मतलब कि 10 की तुलना में 3 आपको ब्याज मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपका पैसा ये 10 यहां जमा था तो 3 बढ़ गया, तो आपकी पूंजी 13 हो गई। सबको आ गया, आपकी पूंजी हो गई भैया 13। फिर क्या हुआ, और इंटू हुआ मल्टीप्लाई, फिर क्या हुआ कि जो आपकी पूंजी तैयार हुई आपने इसमें से 25% पैसा और जमा करा दिया, मतलब 4 की तुलना में आपने 1 पैसा और प्लस आपका हुआ, तो जो पूंजी आपकी पहले 4 थी अब वो 1 और आपने जमा कर दी, अब कितनी हो गई, अब यहां से 5 हो गई। तो आपने पूंजी को लगाने का खेल खेला, 10 के बदले 13, 4 के बदले 5, आपका पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। और ये चीज ऐसे होते होते हुआ क्या, इसको हटाओ जरा, ये चीज ऐसे बढ़ते बढ़ते ये यहां से हुआ क्या कि ये देख लो आपका ये जो पैसा था ये 13 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 65, और ये नीचे कितना हो गया 10 × 4, ये आपका हो गया भैया 40, ये आपका हो गया 40। मतलब तुम्हारे पैसे में लॉकर के अंदर 2 प्रकार के इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, पहला
पहले ये वाला फिर ये वाला, तो आपकी पूंजी 40 के बदले 65 हो गई। ध्यान देना, आपकी पूंजी 40 के बदले 65 हो गई, और इसी 65 का मतलब था ये वाला 13,000। ये तो हमने माना है ना, इसी 65 का मतलब है देखो 13,000। तो यहां पे चुपचाप जाओ और लिख दो कि इस बढ़ी हुई पूंजी 65 का मतलब था 13,000। तो क्या मतलब होगा हमारी प्रारंभिक पूंजी, ये प्रारंभिक वाली वो बढ़ी वाली, तो प्रारंभिक तो क्या मतलब होगा तुम्हारे 40 पैसे का। ये रहा तुम्हारे इस सवाल का उत्तर। 65 इसे भाई काटा बीटी मार दो, देखो 65 टूजा, ये टूजा तो 2000 इंटू इतना है ना, 65 टूजा 130, 200 इंटू 4 कितना आ गया, ये तुम्हारा पैसा आ गया कितना 8000। लो भैया तुम्हारी पूंजी जो है वो 8000 रुपए की थी। यही हो गया आपके सवाल का उत्तर। तो बहुत ही गंभीरता से इन वाली बातों को समझो कि हम फ्रैक्शन को बना करके ऊपर वाले हिस्से को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अगर हमारा पैसा बढ़ा है, ध्यान देना, अगर हमारा पैसा बढ़ा है तो हमेशा 10 में 3 जोड़ना, अगर हमारा पैसा घटा, अगर चीनी का मूल्य घटा तो 10 में 3 हम माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे 7। तो अगर हमारा लॉकर में पैसा डिप्रिसिएट होता, कम होता, तो हम लिखते 10 था 3 कम हो गया है ना, 10 तो यहां 7 करते, 4 था 1 कम हो गया, हम यहां 3 करते है ना। बढ़े तो प्लस, घटे तो ज्यादा। सबको आ गया भाई 8000। चलिए भाई सबको आ गया ये वाली बात, भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। ये वाला जो टाइप था, ये टाइप भैया जरा जल्दी सब लोग हां बोलो, इसमें ये बात सबको आ गई, ठीक है काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो, सबको आ गया 8000 बोलना, 8000 बोलना सबको आ गया। जरा जल्दी एक सवाल कर लो, जल्दी से जरा एक सवाल कर लो सब लोग, एक सवाल कर लो इसके बाद। लो जरा भाई सब लोग एक सवाल जल्दी से करके दिखा दो, एक सवाल जरा करके दिखा दो। ये 30 को यहां से हटाओ और इस 25 को यहां से हटाओ और इस 13000 को यहां से हटाओ। जरा सब लोग करके दिखा दो, 50 और 20 यहां पे जाकर के लिख दो, आगे चल करके यहां पे पहले लिख दो 50% और फिर यहां पे लिख दो 20% और आपकी बढ़ी हुई पूंजी हो गई 18000। यहां लिख दो 18000। सेम सवाल, किसी आदमी ने अपने पैसे का 50% लॉकर में जमा किया, कुछ समय के बाद बढ़े हुए पैसे का 20% और जमा किया और अब उसका ये पैसा बढ़ करके 18000 हो गया, तो ये बताओ कि उसकी प्रारंभिक, उसकी इनिशियल, उसका इनिशियल अमाउंट कितना था, उसका प्रारंभिक पैसा कितना था। जल्दी बोलो भाई कितना आएगा, जल्दी से बोलो भाई कितना आएगा, प्रारंभिक पैसा कितना हो गया। जल्दी से बोलो, देखो भाई 50% का मतलब होता है, ये देख लो 50% का मतलब, अगर अब नहीं बोल पाए तो भैया फिर जान लो तुम्हारी गलती 1/2। और 20% का मतलब होता है 20/100 करोगे ना, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100, तो ये आता है कट करके 1/5। ये वाली बात भैया सबको आती है। अब यहां पे चुपचाप पहुंचो, देखो तुम्हारी पूंजी पहले, ये देख लो तुम्हारी पूंजी पहले यहां देखो 2 थी, पहले 2 था, अब देखो 1 ज्यादा हो गया, कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई, तुम्हारी पूंजी पहले 5 थी अब 1 ज्यादा हो गई, तो यहां लिखो पहले 5 थी अब वो 6 हो गई, तो ऐसा होते होते ये तुम्हारा हो गया 36/18 और नीचे कितना आ गया 5 2 10। इसका मतलब है कि लॉकर में पैसा रखने से तुम्हारा माल, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा सोना 10 के बदले 18 के भाव का शेयर हो गया। तुमने जो 10 रुपए का शेयर लिया था, अब शेयर मार्केट में तुम्हारी औकात हो गई है 18 की, और इसी 18 का मतलब है 18000। तो ये देख लो, यहां जाओ कह दो 18 का मतलब है 18000, ऐसे लिखा करो 18 का मतलब है ये, तो क्या मतलब होगा फिर इस वाले 10 का, ये बताएगा तुम्हारे सवाल का उत्तर। और यहां पे चुपचाप जाओ और जा करके 18 1 जा, ऐसे काट दो 1, ये तुम्हारा हो गया 1000। तो तुम्हारी पूंजी कितनी थी, तुम्हारी पूंजी थी 10000 रुपए की भैया, 10000 रुपया तुम्हारा जो प्रारंभिक अमाउंट था है ना, ये तुम्हारा भैया प्रारंभिक पैसा, ये आपका प्रारंभिक पैसा था, इनिशियल अमाउंट, यही तुम्हारा सवाल का हो गया उत्तर, यही तुम्हारा हो गया आंसर भाई।
है ना भाई, 10,000 आ गया, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा जल्दी से भाई। हाँ बोलो, सबको आ गया, जिसको मैथ आती थी, नहीं आती थी, बहुत बेकार थे मैथ में वो लोग, खास करके बोले जिन लोगों ने अपने बचपन में अपने आप को मान लिया था भैया अब हमको मैथ नहीं आएगी, वो लोग जल्दी से हाँ बोले। जिन लोगों ने बचपन में ये मान के ठीक माना हुआ था कि भैया अब हमको पूरे इस मानव जीवन के अंदर मृत्यु पर्यंत अब हमको भैया सब कुछ आ जाएगा, है ना, नेतागिरी आ जाएगी, ठीक, विधायक बन जाएंगे, लेकिन अब भैया हमको भैया मैथ नहीं आएगी, वो लोग जरा अपने इस बात पर हाँ बोले कि उनको मैथ आ गई है। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गई, जल्दी बोलो भाई, एक बार यस बोल दो, ठीक। जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था भैया अब हमको भैया मैथ नहीं आएगी, नीलेश सिंह का वादा है, दावा है कि ऐसे सभी लोगों को भैया मैथ खुवाएगी। अब चाहे कोई भैया एमएससी वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीए वाला हो, चाहे मैथ बिल्कुल बेकार वाला हो, चाहे भैया मैथ में आईआईटी वाला हो, चाहे हम हो, अब सबकी योग्यता सारी मैथ में पूरे देश भर की, सबको बोल रहे हैं एक लाइन से, पूरे देश भर के सारे टीचर, सारे विद्यार्थी, सारे लोग, सबको भैया बस इतना ही आता है, इतना ही सीख लो, ठीक भाई। चलिए भाई मुस्कुराइए, आज चलते हैं, लव यू ऑल, बिंदास रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।